ओके okay. प्यारे बच्चों नमस्कार मैं विपिन एक बार फिर से रोजगार विदंकित आपके अपने परिवार आपके अपनी क्लास में प्यारे बच्चों आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे बेहतरीन जबरदस्त तरी तो आज ये आपकी सेकेंड क्लास है और जैसा कि कल आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाया था और हमने कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ी अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा प्यारे बच्चों और वही आपको फॉलो करनी इफ यू वांट टू गेट द ड्रेस्टिक इम्प्रूवमेंट इन योर प्रैक्टिस बैच देखो, कल हमने ना मतलब एक प्रैक्टिस लगाया था अभी जैसा कि मैं बच्चों की कुछ देख पा रहा हूं तो उसमें पढ़ी थी बच्चे ना प्रैक्टिस लगाते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ा पीछे का नॉलेज लेवल या पीछे का रिविजन तो वो ना मतलब ब्लैंक होता है चीजें बहुत सारी पढ़ के आए लेकिन उसको पता चल रहा है कि सेट लगाते हुए सबूज करेगा आज एक क्वेश्चन आया था मैं आपको बताता हूँ Few और दा दा लिटेल, आ लिटेल, आ फ्यू और द लिटिल आ लिटिल आफ यू और द फ्यू तो मतलब ये बेसिक क्वेश्चन था वहां पर लेकिन बच्चे ना ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे

अब उनको ये थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा था भाई कि हम प्यू कहां पर लगाएं या फिर लिटिल कहां पर लगाएं तो आज मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं देखो प्रैक्टिस सेट लगाना एक अच्छी बात है बहुत अच्छी बात लेकिन उसके साथ साथ हमें नॉलेज या फिर जो हम पीछे पढ़ गए एक रिवीजन एक बेहतर रिवीजन वो आपका होना चाहिए तो आज मैं ना आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा आज मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्वेंटी रूल्स कराऊंगा जो एग्ज़ाम में मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं और देखने को मतलब आप देखेंगे कि बार बार वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं एम में भी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हर एग्ज़ाम के लिए तो क्योंकि देखो नॉलेज का रिवीजन होना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ये पता है भी आ लिटिल आता है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको पता है प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि हमारा एक बैलेंस है नॉलेज में बहुत अच्छा बैलेंस है ठीक है अब हम थोड़ा सा इसको एज ए प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं ठीक है देखो तो जरा तो प्यारे बच्चों आर यू रेडी एक बार थम अप करके मेरे को बताएंगे सब लोग तैयार हैं ठीक है भाई हाँ बिल्कुल अंकुश शर्मा बेटा बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ बच्चे आप सब लोग बुलंदियों को छुएं सफलता की बुलंदियों को आप सब लोग छुएं मैं चाहता हूँ तो मैंने आज आपको प्रैक्टिस पहले मैं आपको थोड़े ना वन ऑफ द बेस्ट मैं आपको वीक में फोर डेज फाइव डेज प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा टू डेज एक दिन कंप्लीटली वोकैबलरी की क्लास कंप्लीटली वोकैबलरी एज ए टेस्ट एज फिफ्टी वोकेबलरी में लाके आपको परोस दूंगा एक हफ्ते में उसी हफ्ते में मैं आपको टोटल बीस क्वेश्चन मतलब बीस रूल ग्रामर के लाकर परोस दूंगा इससे क्या रहेगा आपको ना वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन मिलेगी और चार से पांच दिन हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे कि आपका एक लेवल बनता रहे तो सब लोग इस बात से सहमत हैं रेडी हैं भाई सब लोग रेडी है ना चलो तो पहला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों ये वर्ब से है कहाँ से भी ये टॉपिक वर्ब से है इसको देखेंगे एक होता है आ नंबर ऑफ क्योंकि ये बहुत मिलेगा आपको आ नंबर ऑफ और एक होता है नंबर ऑफ दोनों में देखो ये ना रट्टा मार लेना सीधे सीधे अब जो मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा ना ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ आपको दो चीजें याद रखनी है इसके बाद जो भी प्यारे बच्चों वर्ब आएगी वर्ब वर्ब पी एल यू आर एल प्लुरल होगी बस ऐसे रट लो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्ब एस -E आई एन जी यू एल ए आर सिंगुलर होगी वर्ब कैसी होगी सिंगुलर होगी ठीक है ना ऐसे रट्टा मार लो बस बीस रूल का ये बहुत अच्छा रिवीजन मैं आपका कराने जा रहा हूं और यही प्रैक्टिस सेट में आपको बार बार देखने को मिलेंगे ठीक है ना ये ऑल ओवर से आपका रिवीजन में बीस इंपॉर्टेंट रूल आपको कराने जा रहा हूं एक एग्जाम्पल आप इसके ऊपर देखेंगे मैंने यहां पर कहा आ नंबर ऑफ स्टूडेंट गोज टू गोज टू Goes to the play ground daily. अब आप मेरे को बताइए प्यारे बच्चों इसमें अगर मैं एरर की बात कर लू तो क्या आपको लगता है कि भी कहाँ एरर होना चाहिए बी और दैट इज सी डी हमारा नो no एरर हो जाएगा डी हमारा क्या हो जाएगा नो एर ट्वेंटी रूल्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक फास्ट रिविजन ही आपको कल मैं आपको फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा ठीक है ना फिर दूसरे दिन भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा फिर आपको ट्वेंटी आपके लिए ठीक है तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा भाई प्यारे बच्चों भाई आ नंबर ऑफ क्या पढ़ा हमने आ नंबर ऑफ इसके बाद जो आने वाली वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए प्लोरल अगर हम किसी भी वर्ब में ऐसी ये लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है वो सिंगुलर बन जाती है चूंकि आ नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी आएगी कैसी आएगी प्यारे बच्चों प्लुरल आएगी और कोई भी मेन वर्ड जो अपने रियल एग्जिस्टेंस पर होती है वो प्लुरल होती है आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे तो ये कहाँ से था वर्ब से था एक और नेक्स्ट रूल देखेंगे आप इसी से संबंधित एक होता है प्यारे बच्चों दा और यहां पर होता है मेन सब्जेक्ट और यहाँ पर होता है ऑफ क्योंकि ये चीजें ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी आप इसको बहुत अच्छे से इंडिकेट भी करेंगे कि सर आपने बहुत बेहतर चीजें उस दिन हमें पढ़ाई थी इसमें आप लिखेगा मेन मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों मेन सब्जेक्ट अगर ये मेन सब्जेक्ट आपका कैसा होगा अगर ये मेन सब्जेक्ट आपका प्लुरल होगा कैसा होगा प्लुरल होगा तो आने वाली जो वर्ब होगी वर्ब होगी वो भी कैसी होगी वर्ब भी -E देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा समझो पेपर छाप रहा सीधा आपके लिए अगर ये, main verb, main subject, sorry, ये कैसा होगा हो कैसा होगा भाई सिंगुलर होगा तो आने वाली जो वर्ब होगी वर्ब सिंगुलर होगी कोई डाउट किसी को कोई डाउट दो एग्जाम्पल लिखूंगा दोनों से आप बहुत अच्छे से समझेंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्तों मैंने यहां पर कहा द whole एच ओ एल ई ब्लॉक ऑफ द होल ब्लॉक ऑफ फाइव फाइव बिल्डिंग्स सी OCC occupied. अब आप देखिएगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मैंने यहां पर क्या लिखा द होल ब्लॉक ऑफ मैं इसको थोड़ा सा चलिएगा एक क्वेश्चन मैं और यहां पर लिख देता हूं मैंने यहां पर कहा द नॉलेज ऑफ एट लीस्ट five languages are, r e q u i r e d required ठीक है भाई आगे कुछ भी हो सकता है आगे कुछ भी हो सकता है अब जरा दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे और यही चीजें ना आपको वहां पर काम आने वाली हैं ठीक है भाई अब चूंकि मैं आपको ये 20 रूल्स पढ़ा रहा हूं तो किसी ना किसी आधार पर ये मैं आपको पढ़ा रहा क्यों क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है अब देखिएगा द नॉलेज ऑफ मोस्टली बच्चे क्या करते हैं फाइव लैंग्वेजेस देखते हैं कि भाई यार यहाँ पर तो पांच भाषाएं लिखी हुई हैं क्या लिखी हुई है पांच भाषाएं भाई जब पांच भाषाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं तो यार वर्ड तो प्लुरल आनी चाहिए जबकि यू नो वेरी वेल कि हमारा मेन सब्जेक्ट ये नहीं होता हमारा मेन सब्जेक्ट होता है जहां भी दा और ओफ आ जाए उसके बीच में जो लिखा होता है अब ये नॉलेज हमारा कैसा है भाई सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो फिर आप यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे क्या लगाएंगे इज हम लोगों का एक बेहतर आंसर होगा ठीक है ऊपर वाला देखिए ऊपर वाला देखेंगे आप यहां पर मैंने लिखा द होल ब्लॉक अब होल ब्लॉक ये बिल्डिंग है काफी सारे इनका जो होल ब्लॉक है ठीक है भाई तो वो कैसा होगा सिंगुलर तो वहां पर आप आर के जी के फिर से क्या कर देंगे सिंगुलर कर देंगे क्या कर देंगे सिंगुलर कर देंगे यही बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ना है ठीक है भाई द होल ब्लॉक ऑफ फाइव बिल्डिंग या फिर दिस बिल्डिंग आप इसको कर लेंगे दीज दिस बिल्डिंग ठीक है इज इस बिल्डिंग का जो होल ब्लॉक है सारा ब्लॉक मतलब दो रूल पढ़ाए नंबर ऑफ एक हमने पढ़ा दीच में जो भी हमारा मेनली सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आगे जाकर क्या लगाएंगे वर्ब लगाएंगे अब थोड़ा आगे प्यारे बच्चों बढ़ जाते हैं अब जरा वर्ब के रिगार्डिंग ये हम तीसरा रूल देख लेते हैं हर टॉपिक से तीन से चार वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट रूल में आपको पढ़ाने जा रहा हूं नेक्स्ट रूल ये भी कहां से ये वर्ब टॉपिक से है प्यारे बच्चों कहाँ से होगा वर्ब टॉपिक से होगा नेक्स्ट देखेंगे के साथ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन के साथ हमेशा ओ एन ई वंस पी ओ डबल एस ई एस आई वी पजेसिव केस आता है कैसे जरा इसको ध्यान से देखेंगे जरा इसको ध्यान से देखेंगे मैंने यहां पर कहा वन शुड डूज ड्यूटी वेल भाई उसे अपना ड्यूटी ईमानदारी से करना चाहिए बेहतर तरीके से करना चाहिए उसे अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से करनी चाहिए ईमानदारी से करनी चाहिए अब आप इसको देखो भाई हमने क्या पढ़ लिया वन बी और ये सी और डी हो जाता है आपका नो no एरर जो कि मैं बार बार हर दिन आपको कराता हूं अब आपने क्या देखा कि भी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जो हमारा मेन सब्जेक्ट है ठीक है वो क्या है वन तो वन के साथ कभी भी हिज का प्रयोग नहीं होगा हमेशा किसका होगा वंस का प्रयोग होगा यही बात मैं आपको अभी जस्ट पढ़ा रहा हूँ ठीक है अब चलेगा इसी में नेक्स्ट रूल देख लेते हैं वर्ब का चूंकि वो पजेसिव केस में आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस समय और इसी के ऊपर मैं नेक्स्ट रूल देने जा रहा हूं आपको एक होता है प्यारे बच्चों ये नेक्स्ट रूल है एवरीबडी जानते होंगे आप बहुत अच्छे से फिर भी पढ़िए समबडी बहुत अच्छा रिवीजन है ये आपका समबडी दैट इज नो दैट इज नो वन दैट इज Someone that is each one, तो इनके साथ प्यारे बच्चों दो चीजें आपको याद रखनी है दो चीजें आपको याद रखनी है पहला पहला क्या होगा जो वर्ब होगी वर्ब एस आई एन जी यू एल ए आर सिंगलर होगी वर्ब कैसी होगी सिंगुलर होगी नेक्स्ट पीओ डबल एस ई एस आई वी पजेसिव केस हमेशा पजेसिव केस हमेशा कैसा होगा भाई होगा और मेरा दोस्तों यकीन मानिएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये भी और ये भी अभी चूंकि आसान इसीलिए लग रहा है आप पढ़ चुके हैं और बेसिक आपने रिवीजन कर रखा है लेकिन जब इसे क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिलता है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें लगता है यार चीजें प्रॉब्लम में है देखो जरा ध्यान से कैसे मैंने यहां पर कहा एवरीबडी एवरी बडी इन योर क्लास इन योर क्लास हैड डन देयर वर्क वेल ये यहां पर लिखा हुआ है ये यहां पर लिखा हुआ है एवरी इन योर क्लास हैड डन देयर वर्क वेल गेटिंग चलो तो अब इसको जरा आप प्यार से देखिएगा प्यारे बच्चों एरर ना आपको इस तरीके से छिपा हुआ मिलेगा कि आप उसको ढूंढना बड़ा इम्पोसिबल नहीं, नहीं है नॉलेज है लेकिन एक बेहतर रिकग्नेशन या फिर आप कहिएगा लैक ऑफ प्रैक्टिस ठीक है वो नहीं अब वो कैसे आती जब टिप्स पर सब कुछ टिप्स पर रट रट रखा हो आपने या फिर रखा हो हमें पता है कि एवरीबडी जहां भी आ जाता है जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करूं जब भी मैं दोस्तों एरर करता हूं ठीक है ठीक है भाई योद्धा बैच में पढ़ाया था पढ़ाया गया बिल्कुल क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है इसीलिए पढ़ा पढ़ाता मैं इसको अब हमें कैसे पता चल जाता है ये चीजें हमें ना मतलब बहुत बेहतर बेहतर तरीके तरीके से से रटी रटी हुई है। रटी हुई हैं हैं अब जब ये हमें तो हमें पता चलता है पढ़ते ही कि एवरीबडी आ रहा तो दो ही जगह कंडीशन बन सकती है या तो वर्व में या फिर दूसरा पजेसिव केस में इससे अलग इसमें कुछ नहीं बनता तो देअर गलत हो जाएगा हिज हमारा यहाँ पर सही आंसर हो ट्वेंटी वन ऑफ द बेस्ट रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों बी फर्म गेटिंग यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत चले भाई चलिएगा यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम अप करके बताए भाई महेश कुमार बिल्कुल आपने पढ़ रखा है मुझे भी आते हैं लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है ना तो यहां तक सब लोगों को एनी डाउट एक बार थम अप करके बताएंगे किसी को कोई डाउट शंका है भाई भाई क्लियर है ना तो एक बार थम अप करके बोलो कि सर की बिल्कुल क्लियर है बेटा आज जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं रोशन तो मुझे नहीं लगता कि यार उसमें कोई वीकनेस आपको लग रही होगी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है कोई दिक्कत चलो चलिएगा तो फिर नेक्स्ट देखते नेक्स्ट रोल प्यारे बच्चों ठीक है भाई नेक्स्ट रूल क्या कहता है जरा इसको ध्यान से समझेंगे एक होता है प्यारे बच्चों निश्चित निश्चित क्या क्या हो सकते हैं क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं निश्चित अमाउंट जो पैसा होता है डिस्टेंस निश्चित डिस्टेंस अमाउंट हो सकता है डिस्टेंस हो सकता है क्लियर भाई एच ई आई जी एस टी -E हाइट हो सकता है डब्ल्यू ई आई जी एच टी वेट हो सकता है तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है ये बहुत ही बढ़िया रूल है बिल्कुल मिलेगा बेटा पी डी एफ ठीक है अमाउंट डिस्टेंस अमाउंट का मतलब क्या होती है कोई भी मात्रा पैसा हो सकता है रकम हो सकता है ठीक है नेक्स्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है दूरी होता है क्या होता है दूरी होता है हाइट का मतलब क्या होता है ऊंचाई होता है हाइट का मतलब ऊंचाई होता है और वेट का मतलब यू नो वेरी वेल भार होता है तो आपको ये चीजें याद रखनी है अगर आगे जाकर वर्ब आती है क्या प्यारे बच्चों मेन वर्ब आती है। एल पी आई एन जी हेल्पिंग वर्ब पी एल यू आर एल प्लुरल होगी तब हेल्पिंग वर्ब प्लुरल होगी गेटिंग चलिएगा नेक्स्ट में बात कर लेता हूं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझना है मेन वर्ब नहीं आती अगर आगे जाके कोई भी मेन वर्ब गो, प्ले कम इस टाइप की कोई भी वर्ब अगर नहीं आती तब प्यारे बच्चों याद रखिएगा तब याद रखिएगा तब एच ई एल पी आई एन जी हेल्पिंग वर्ब एस आई एन जी आर सिंगुलर आएगी क्वेश्चन ना थोड़ा अटपटा है यहां सही करने के लिए पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा पहले आपको आगे जाकर पढ़ना पड़ेगा अगर किसी भी सेंटेंस में इनके साथ मेन वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब प्लुरल होगी मेन वर्ब नहीं आती है तो प्यारे बच्चों सिंगुलर हो जाएगी कैसे मैं कह रहा हूं इसको जरा ध्यान से देख लो मैंने यहां पर कहाजेंड फाइव थाउजेंड रूपीज फाइव थाउजेंड रुपीज आर ए बिग अमाउंट आर ए बिग अमाउंट फोर मे आर ए बिग अमाउंट फोर मे तो प्यारे बच्चे जरा आप ध्यान से देखेंगे ए दैट इज बी और दैट इज सी दैट इज बी और दैट इज ए मैंने अभी आपसे क्या बोला कि भी हमारी अगर निश्चित रकम हमें दी जाती है फाइव थाउजेंड रुपीज मतलब आप जानते हैं पांच हजार रुपए तो ये एक बहुत बड़ी रकम होती है पांच हजार रुपए अब आपने क्या देखा कि निश्चित है ना आप जानते कितनी रकम की मैं बात कर रहा हूँ तो पांच हजार रुपए की अब आपने क्या देखा भाई यहां से लेके इसके बाद से इस पूरे सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब आपको गिवन नहीं है अब कोई भी मेन वर्ब आपको गिवन नहीं है दोस्तों तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए सिंगुलर तो आप इसको किस में चेंज करेंगे एज में ठीक है एक और फाइव थाउजेंड रुपीज प्यारे हैज बीन स्पेंट ऑन माय बर्थडे ऑन माय बर्थडे गेटिंग माई पॉइंट चलिए अब इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे और और बोलो भाई इसमें कहाँ एरर होना चाहिए दोस्तों अभी मैंने क्या बोला जहां भी निश्चित रकम आ जाएगी जहां भी निश्चित रकम आ जाएगी निश्चित दूरी आ जाएगा बस आपको सीधा सीधा सा ये देखना देखो आगे हेल्पिंग वर्ब से आगे झांकना है आपको मेन वर्ब है बिल्कुल है सर स्पेंट ये थर्ड फॉर्म दे रखी इसका मतलब मेन वर्ब आपको दे रखी है तो जब मेन वर्ब आपको दे रखी है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी प्लुरल हो जाएगी तो हैव हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर होगा हैव विल बी द राइट ऑप्शन गेटिंग किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो है वे प्यारे बच्चों किसी को यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो

अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक किसी को उठा लेते हैं जहां से आपको सबसे ज्यादा एरर देखने को मिलते हैं चलो भाई मैं आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूं आर्टिकल से कुछ रूल उठा लेता हूं आर्टिकल आप जानते होंगे वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आपने पढ़ रखा है वो पढ़ाऊंगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा सिर्फ तीन रूल पढ़ाऊंगा आर्टिकल से तीन से चार रूल और वही आपके लिए सफिशेंट है और वही आपके हर क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कराएंगे ठीक है पहली बात रूल फर्स्ट किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए आर टी आई सी एल आर्टिकल नहीं आता अब ये बात मतलब सौ परसेंट तो सच नहीं है क्योंकि बात पढ़ाने की है तो आपको पढ़ाया जा रहा है किसी भी न... अनकाउंटेबल के साथ किसी भी जो चीज गिनी नहीं जा सकती उसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते उदाहरण के तौर पर देख लो मैंने कहा एग्जाम्पल आई हैव ईटन द फूड चीजें बेसिक आ रही है कोई भी आप सोचे कि वो बहुत बड़ा आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें मतलब आपको लगे कि यार बहुत भरकमे पूरे मतलब एरिया में नहीं आ रहा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे अब आप देखो हमारा क्या है अनकाउंटेबल है तो इससे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे ठीक है चलिए मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल ही देखेंगे हो जाएगा। लेकिन मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि ये रूल मतलब 100 परसेंट मान्य नहीं है क्योंकि चीजें बदल जाती है लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए तो मान्य है सिंपल मैं कह हैज ए राइस तो गलत हो जाएगा ही हैज राइस बोलेंगे ठीक है नॉलीज है तो आर्टिकल एंड नहीं आएगा ठीक है फूड है तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा अब थोड़ा सा इसको हम हटके पढ़ लेते हैं आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं ठीक है भाई नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन कहीं भी अगर आपको ये पेयर दिखाई दे जाए ठीक है भाई नाउन प्रीपोजिशन और नाउन तो दोस्तों मेरे नाउन प्रीपोजिशन नाउन अब चाहे ये वाला नाउन ठीक है भाई काउंटेबल हो चाहे ये वाला काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हमेशा हमेशा आर्टिकल द आएगा क्लियर हुआ अगर कहीं भी नाउन प्रीपोजिशन भाई साहब मिलेगा नहीं कहीं भी नाउन प्रीपोजिशन और नाउन का अगर पेयर आपको दिखाई देता है दोस्तों तो हमेशा यहां पर क्या लगेगा आर्टिकल द का प्रयोग होगा हमेशा किसका प्रयोग होगा आर्टिकल दा का प्रयोग होगा उदाहरण के तौर पे जरा आप इसको देखिए मैंने यहां पर कहा द वाटर ऑफ हरिद्वार इज स्वीट ठीक है भाई अब हमने क्या देखा मैं इसको एक सेकंड के लिए हटा देता हूं मैंने क्वेश्चन आपको यह दिया वाटर ऑफ हरिद्वार इज स्वीट सी सॉरी बी सी और ए ठीक है भाई दोस्तों अब आपने क्या देखा वाटर ऑफ हरिद्वार इज स्वीट तो हम क्या करेंगे भाई यहां पर क्या ये दे रखा है आपको दोस्तों नाउन दे रखा है और हरिद्वार ये भी हमारा नाउन है ये भी हमारा नाउन है बीच में क्या रहा है प्री क्या रखा है पेयर तो बन गया, है नहीं बन गया है पेर. तो, तो दोस्तों क्या होना चाहिए आर्टिकल क्लियर हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है भाई मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ठीक है भाई चलिए एक और रूल पढ़ लेते हैं एक और रूल पढ़ लेते हैं मैंने यहां पर कहा इसको जरा आप थोड़ा सा और फोकस से पढ़ेंगे कहीं भी नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है फर्स्ट फॉर्म हो चाहे वो सेकंड फॉर्म हो चाहे वो थर्ड फॉर्म हो कोई भी कोई भी कोई भी फॉर्म हो चाहे वो कोई सी भी फॉर्म है ठीक है फर्स्ट आ जाए सेकंड आ जाए थर्ड फॉर्म आ जाए ठीक है रोहित ठाकुर सर आपसे बात कर सकते हैं हाँ बेटा आप जो नंबर होता है टोल फ्री आप उस पर कॉल करिए वो आपका नंबर मुझे सेंड कर देंगे देन आई विल कॉल यू मैं आपको कॉल कर लूंगा ठीक है देखो प्यारे बच्चों ध्यान से आपको देखना है मैंने कहा ये क्वेश्चन आया रिसेंटली टी विच यू टोक स्टरडे वाजेंट बाय मी ठीक है भाई एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये दे दिया है ठीक है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन यू एस एच ए आर ई डी शेयर टू मी वाज करेक्ट दो चीजें हमने पढ़ी हैं प्यारे बच्चों अब आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा बदल गया है बेटा इसे भूल जाओ ये क्या है लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो दैट इज नाउन भाई दैट इज नाउन दैट इज सब्जेक्ट दैट इज सब्जेक्ट और दैट इज वर्ब दैट इज सब्जेक्ट और दैट इज वर्ब तो आप इसको देखिएगा नाउन आ गया सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया नाउन आ गया सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया ठीक है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आर्टिकल द आएगा मैं खाली क्या क्या लिख रहा वो वो आपको एग्जाम में क्या देगा वो बेटा आपको यहां ए दे ये स्पेशलाइजेशन तो तो केस पे अगर हम किसी को बोलते हैं किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से अगर जोड़कर बोलते हैं तो फिर हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं इसमें देख लो इंफॉर्मेशन बेटा नाउन हो गया अब चाहिए काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो इंफॉर्मेशन मतलब नाउन हो गया है सब्जेक्ट हो गया है हो है वर्ब हो गई ठीक है तो हम सीधा सीधा यहां पर क्या करेंगे द इंफॉर्मेशन द इंफॉर्मेशन गेटिंग माई पॉइंट द इंफॉर्मेशन यू शेयर गेटिंग कोई डाउट किसी को किसी को भी कोई डाउट जल्दी से कमेंट करेंगे सब लोग ठीक है चलो ये जल्दी से देखें भाई मजा आया कि नहीं आया कुछ बेहतर मिला कि नहीं मिला जल्दी से कमेंट करो एक बार थम अप करके बताओ सर हाँ कुछ बेहतर समझ में आ रहा है कुछ बेहतर मिल रहा है ठीक है एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है बेहतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बोलो भाई जल्दी से सब लोग हाँ भाई जितेंद्र यतेन्द्र चौधरी ठीक है बिल्कुल चलो, बहुत बेहतर ठीक है भाई तो आपको बेसिकली मैं बता दू प्यारे ये वन बेस्ट बिल्कुल बेटा में था अब क्योंकि मतलब आप देखें हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है देख लो जरा इसको ध्यान से टाइम एंड टेंस है, जैसे ही मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। अभी कहा तो से ज्यादा से से सेक्शन बन रहे हैं ठीक है।, है जहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मतलब हमें पता होता है अब मैं आपको दो चीजें पढ़ा देता हूँ टाइम एंड टेंस देखो आप पढ़ चुके होंगे लेकिन शायद आप ये चीजें भूल बैठे हो और भूल भी गए होंगे तो ये इट्स माइ ड्यूटी टू रिमाइंड यू पहला अगर वैन आ जाए दोस्तों वैन आ जाए ये मैं पहले आप ही लोगों से पूछूंगा ये पहले मैं आप ही लोगों से पूछूंगा वैन के साथ यदि यहां पर क्या आ जाए पास्ट इंडेफिनिट दे दे, वैन के साथ अब मैं इज इक्वल टू लगा देता हूं अब आप मुझे बताओ सामने वाला जो सेंटेंस बनेगा वो कौन से टेंस का बनेगा सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे ठीक है भाई प्यारे बच्चों सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा बनेगा पास्ट इंडेफिनेट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा प्रेजेंट होगा फ्यूचर होगा कोई सा तो होगा एक बार सब लोग कमेंट करें और बताएं बोलो भी दोस्तों जल्दी से चलो फास्ट इन सूरज कुमार कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट हाँ रुस्तम निगम आप बोलो बेटा ठीक है एक बार फिर से कमेंट करिए और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप ठीक है क्या कहना चाह रहे हैं एक बार फिर से कमेंट करो और बोलो वोट यू वॉन्ट टू से देखो भी प्यारे दोस्तों आपको ध्यान से देखना है जब भी वैन के साथ आपको क्या दे दिया जाएगा पास्ट इंडेफिनेट दे दिया जाएगा तो इक्वल टू में हमेशा क्या बनेगा पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस ठीक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस अब चलेगा ये तो था पहला रूल दूसरा रूल भी मैं आपसे पूछ लेता हूं अगर यहां पर आपको सिंस दे दिया जाए जानते हैं नहीं, नहीं जानते हैं सिंस दे दिया जाए दोस्तों और सिंस के साथ ठीक है भाई क्या आ जाए पास्ट तो इक्वल टू में क्या आएगा तो इक्वल टू में क्या आएगा फिर से बता दो अभी आपका बेहतर नहीं वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन में इसको कह सकता हूं अभी तक मैंने किसी क्लास में नहीं कराया लेकिन आपको करा रहा हूं। अब देखिएगा यही चीजें ना मतलब आपको अब जब प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो यही तो चीजें देखने को मिलेंगी अगर आपने इनको प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले ही मैंने आपको अच्छे से रिविजन करा दिया है तो प्यारे बच्चों मुझे ना एक अधिकार मिल जाएगा कि मैं आप लोगों को कूट कूट कर ये वाली बात बोलू कि बेटा क्लास से पहले पढ़ाया था तू कैसे भूल सकता है ये वाली बात अगर सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ जाए इज इक्वल टू में हमेशा क्या होगा दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दो पास्ट परफेक्ट टेंस गलत है भाई बोले यादव बोले गलत है भाई ठीक है ये गलत है तो आप बताओ क्या होना चाहिए देखो भाई पास्ट परफेक्ट देविंदर यार कैसे करोगे बेटा पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा यही तो चीजें सोचने वाली हैं ये अलग रूल है पी आर ई एस ई परफेक्ट प्रजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है प्रजेंट परफेक्ट होता है क्या बोलेंगे has, have, और प्लस में क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बस यही बेसिक आपको याद रखना है एग्जाम्पल देख लो कैसे मैंने यहां पर कहा एस आई एन सी सिंस ही हैज कम हियर ही हैज नोट ईटन एनीथिंग जब से वह आया उसने कुछ नहीं खाया जब से वह यहाँ आया है उसने कुछ नहीं खाया तो आपको प्यारे बच्चों वन ऑफ द बेस्ट बोले तो क्रीम मैं आपको दे रहा हूं अब मेरे प्यारे लाडलो, शेरो ठीक है को नूरो अब आप देखो जरा इसमें क्या होना चाहिए दैट इज ए दैट इज बी और दैट इज सी दैट इज बी और दैट इज ए हमने क्या पढ़ा है भाई सेंटेंस को ना दो पार्ट में ही हैज कम हियर बस इतना पहला पार्ट ये हो गया दूसरा पार्ट ये हो गया चीजें ऐसे पढ़नी है ऐसे पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम आ जाए इंडिया का नोट खाली आप जो ऑर्डिनेंस वाला दे रहे हैं ये तो छोटा एग्जाम है कोई भी एग्जाम आप देंगे आ रहा है ना तो प्यारे बच्चों हैज कम नहीं होगा क्या हो जाएगा सी ए एम ई केम हो जाएगा क्यों चूंकि पास्ट इंडेफिनिट आता है कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर आएगा चूंकि आगे जाकर आपको हैज प्लस थर्ड फॉर्म गिवन कर रखा है तो यही चीजें तो सीखनी है जिसमें आप मार खा रहे हैं क्या आता है एग्जाम में ये आता है एग्जाम में वो आपसे खाली इज नहीं पूछेगा कि इज एम आर आ रहा है तो इसमें आई लगा दो ये बेसिक लेवल है ठीक है आपसे क्या पूछेगा प्यारे बच्चों जो बेसिक बातें हैं और वही बेसिक बातें आपको याद रखने ठीक है थीके? चलो तो गेटिंग माय पॉइंट चलिएगा फिर नेक्स्ट देखते हैं एक और रूल मैं आपसे पूछ लेता हूं व्हेन आई सायू लास्ट टाइम यू स्पेस अब मैं चार ऑप्शन आपको दूंगा चार ऑप्शन में से कोई सा आपको पर फिल करना है देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बात पर खड़े उतर पाते हैं ऑप्शन ए रेन ऑप्शन बी इज सॉरी तो नहीं आएगा यू के साथ आर आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग ऑप्शन सी वर रनिंग ऑप्शन डी हैव रन। इसमें बता दो प्यारे बच्चों चार ऑप्शन हैं, जल्दी से कमेंट करो आई एम गोइंग टू रीड योर कमेंट्स रेन हो जाएगा आर रनिंग हो जाएगा वर रनिंग हो जाएगा और हैव रन हो जाएगा बोलो भाई जल्दी से क्या होना चाहिए ऑप्शन सी प्यारे बच्चों ऑप्शन सी बोले सर ऑप्शन सी होना चाहिए बहुत बेहतरीन क्योंकि अभी मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ कि सर यहाँ पर क्या हो जाएगा वर रनिंग हो जाए कीजिए अगर ना आपको इस तरीके से याद है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी वहां पर डाउट आने वाला है ठीक है तो मैं आगे बढ़ाऊँ आपको एक और वन ऑफ द बेस्ट रूल चलिए जरा ध्यान से देखो एक और

वर ए डॉक्टर आई स्पेस हेल्प यू अब ये चीजें अगर आपको ये ही नहीं पता होगा तो आप वहां एरर कैसे निकालोगे आप वहां एरर कैसे निकालोगे अगर आपको ये चीजें पता है भाई यहाँ ये आता है ये आता है तो आप भी जानते हैं इनमें कभी एरर नहीं आता ठीक है इनमें कभी एरर नहीं आता दोस्तों बोलो भाई दोस्तों देखो मैं चार ऑप्शन दे देता हूं हेल्प के लिए आपको ऑप्शन ए हैड ऑप्शन बी यूज टू ऑप्शन सी वुड ऑप्शन डी मे अब बता दो जरा जल्दी से बता दो भाई क्या होना चाहिए अब आपके पास चार ऑप्शन है यहां पर फिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन आप यहां पर फिल करेंगे सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों अगर आपको लगता है क्लास में मजा आ रहा है अच्छा कुछ हाथ लग रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ठीक है भाई दोस्तों जल्दी से बोलो भाई आप जानते हैं कि भाई यहां पर हमें क्या दे रखा है पास्ट दे रखा है ठीक है ये भी पास्ट है ये भी पास भी ये पास नहीं है तो वैसे ही कट गया तो प्यारे बच्चों वर के साथ देखो सीधी सीधी चीजें ऐसे याद करो मैं आपको बता रहा हूँ बादशाह वर इज इक्वल टू मैं कह रहा हूं क्यों ग्रामर में फंस रहे हो इफ प्लस वर प्लस अब इनके बीच में कितने भी वर्ड जोड़े बस अगर आपको एक कंसेप्ट पता है या तो वो इसे हटा कर देगा इसे सही दे देगा तो इसको गलत देगा इन दोनों से अलग वो कुछ बना ही नहीं सकता ठीक है ना इन दोनों से अलग वो कुछ बना ही नहीं सकता केवल और केवल ये चीजें होंगी जैसे कि मैंने यहां पर बना दिया है तो ये तो सही दे दिया है तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं क्या करूंगा वुड विल बी द राइट ऑप्शन वुड विल बी द राइट ऑप्शन इसी का एक और कंसेप्ट है उसको भी जरा आप ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट यदि इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस आपको क्या दे दिया जाए हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्या दे दिया जाए हेड प्लस थर्ड फॉर्म अब आप मेरे को बता दो जो आगे वाली हेल्पिंग वर्ब होंगी वो कौन सी होनी चाहिए मैं यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आज मैं खाली पढ़ा नहीं रहा हूं आपका मतलब देख रहा हूं आपने कितना पढ़ा है कितना आपको याद है और जो याद नहीं है तो मैं आपको केवल और केवल याद दिला रहा हूं बेटा जो मैंने अग्निवीर वाला बैच लिया है ना आप खाली उसको पढ़ लो उसमें सभी कंसेप्ट लक्ष्मण ठीक है लखन आपके क्लियर हो जाएंगे सभी कंसेप्ट आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे केवल और केवल आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो ठीक है ना अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया आई एम डेम श्योर किसी भी एग्जाम को देना एयरफोर्स एक्स वाई ठीक है आई सी जी ऑर्डिनेंस जो भी आप एग्जाम देंगे इजीली क्लियर होगा क्योंकि इसमें सभी कंसेप्ट हमने बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाए हैं ठीक है ठीके? चलो देखो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का पेयर बन जाता है तो नेक्स्ट कंडीशन में हमेशा यहाँ पर क्या होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वुड हैव वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो ये हमारा वहां पर होने वाला है ठीक है भाई देखेंगे जरा ध्यान से मैंने यहां पर एग्जाम्पल आपको दिया इफ ही हैड ही हैड पी आर ई पी ए आर ईडी प्रिपेयर फूड ही मे हैव सी ए डबल एल ईडी कोल्ड एस ठीक है ये क्वेश्चन है देखो भी दोस्तों क्या होना चाहिए बेटा जो जो अभी तक कुछ नहीं जानता सौरभ वो वो भी क्लास ले लेना सारी मतलब अग्निवीर में मैंने पढ़ाई थी अगर आप उन क्लासेस को ले लेंगे तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो वो क्लासेस लेके जो मैं ये मतलब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना आप इनको अटेंड कर लेना वहां पढ़ते रहना यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाते रहना मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अच्छी नहीं नीओसम तैयारी हो जाएगी ठीक है आप उनको पढ़ते रहिए और यहाँ पर एक

आप पढ़ रहे हैं सर पढ़ तो लिया है सारा लेकिन रिवीजन कैसे तो ये क्लास है ना आपका कंप्लीट रिवीजन कराने सर वो तो वहां पढ़ के आए हैं बैच में लेकिन रिवीजन ये क्लास है रिवीजन करने के लिए तो आपका देखो साथ के साथ जो पीछे पढ़ गए हैं वो भी मैं आपका साथ के साथ रिवाइज करा रहा हूँ और जो ये पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ तो इससे बेहतर और वॉट यू कैन इमेजिन ठीक है चलो बस आप बैच में छोड़िएगा और आप देखेंगे विद इन वन मंथ ट्वेंटी फाइव डेज मुझे चाहिए आपसे ट्वेंटी डेज भी आप दे दीजिएगा आपको लगेगा कि एक बेहतर तैयारी में ठीक है चलो देखो तो प्यारे बच्चों आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया था इफ हीड थर्ड फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया बिल्कुल आ गया तो प्यारे बच्चों में नहीं आएगा क्या हो जाएगा ठीक है भाई वुड हैव हो जाएगा क्या हो जाएगा वुड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाए बस इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी ठीक है ना एनी डाउट फॉर्म हियर किसी को यहां से कोई डाउट हो तो बोलो ठीक है दोस्तों तो आज की क्लास फिर हम यही रखते हैं आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत मजा आपको इस क्लास में आ जाया होगा क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट रूल हमने पर पढ़े हैं। बेटा एस एस सी जी डी के लिए पढ़ रखा तो बस खाली आप ये प्रैक्टिस सेट लगाना और जो वोकेबलरी और टोटल ग्रामर रिविजन क्लास में लेकर आऊंगा उसको भी अटेंड करिएगा आप ठीक है तो कैसी रही क्लास सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे हाउ डिड यू फाइंड दिस क्लास एक बार सभी लोग कमेंट करें और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें खाली पढ़े और निकले ऐसा प्रोसीजर ना रखें तो ठीक है भाई क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करें तो मिलते हैं फिर कल तब तक के लिए बाय बाय स्वीट मेरो जय हिंद दोस्तों